ये डीटीआई सिर्फ डीटीआई लिखा है। हाँ जी हाँ जी जनाब जीवल चोर जीवल ठीक है भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की निकलो पिछले फुल पगल लो तुस भी इत्थे जे थोड़े फुल ले लो इत्थे थोड़ा तो देखो इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद गायत्री मंत्र का पाठ देवस्य धीमे ही दियो यो न प्रचोदया ओ पूर्वस्व तत्सवितु देश के जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी और हेलीकॉप्टर में हादसे में शिकार हुए हादसे में दुखनाक दर्द से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ जनरल बिपिन रावत जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी के हिंदुस्तान के थे और उनको भारत सरकार ने परम विशिष्ट सेवा मेडल उत्तर युद्ध सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल ऐसे सम्मान जिन लोगों को दिए हो तो हम जान सकते हैं कि हमने क्या खोया। पूरे भारतवर्ष ने एक सच्चे सिपाही को खोया और सच्चे योद्धा को खोया जिनकी कमी कभी भरपाई नहीं हो सकती। और जब वो कश्मीर में तैनात थे तो उन्होंने आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया और आतंकवादियों को चने चुभाए और जो युवक अपने मुख्य धारा से बटे हुए थे उन युवकों को मुख्य धारा में लाने में पूरी उन्होंने मदद की। मैं समझता हूं ऐसे योद्धा को हम जितना सलाम कर सके उतना कम है। और बालाकोट एयर स्ट्राइक कौन नहीं जानता, जब पुलवामा में हुआ इंसिडेंट और हमारे जवान जब शहीद हुए तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया बालाकोट एयर स्ट्राइक के माध्यम से और अपने जवानों को सही सलामत जो वापस लाए गए और पूरे विदेश में भारत का नाम ऊंचा हुआ और भारत की जय जयकार हुई। ये वही बिपिन रावत थे। और जब जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुका रावत और हेलीकॉप्टर में क्रैश हुए अन्य अफसर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। और जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ थे और जनरल बिपिन रावत जी को भारत सरकार ने परम विशिष्ट सेवा मेडल उत्तर युद्ध सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल ऐसे सम्मान जो है भारत सरकार ने दिए थे तो हम सब जानते हैं और हम कह सकते हैं कि हमने क्या खोया और भारत ने क्या खोया। भारत ने एक सच्चा सिपाही खोया सच्चा योद्धा खोया और उनका परिवार सदियों से देश की सेवा कर रहा था। और जब वो कश्मीर में तैनात थे उन्होंने आतंकवाद का खात्मा किया और आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। 2017 में जब मेजर लितुल कश्मीरियों को अपनी जीप के आगे बांधा तो कश्मीर में काफी हंगामा हुआ और लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के आर्मी के खिलाफ बयान दिए। लेकिन ये वही बिपिन रावत थे उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उन्होंने इस मेजर लितुल को एक्सीलेंसी लेटर दिया और लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया।
बालाकोट एयर स्ट्राइक और अपने आतंकवादियों को जो पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार के अपने देश में वापस आए और पूरा देश का भारत का गौरव जो पूरे विश्व भर में आज बिपिन रावत की देन है और मैं समझता हूँ इनको कोई नहीं भूल सकता और आज भावुक मन से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हेलीकॉप्टर हादसे में जो लोग हादसे में शिकार हुए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को सहने की पूरी शक्ति दे, ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं।